हेलो। हाय अंतरा जी। हाँ जी। अंतरा जी, आपने हमारी ज्वेलरी पोर्टल से तकरीबन 3 महीने पहले कुछ ज्वेलरी खरीद करके वो रिटर्न कर दी थी, ओके, याद है मेबी आपको? शायद करी आपको होगी। पसंद नहीं आई तीन क्या महीने ज्वेलरी पहले? हमारी? हाँ, शायद नहीं पसंद आई लेकिन होगी। मैजिक है आपके पास में, पता है ना, कमाल का। सॉरी। आपके उसमें मैजिक है, हमने देखा। हाँ, हमारी जो ईयरिंग है ना, वो एक्सक्लूसिव ईयरिंग है, एंड वही ईयरिंग आपके 3 दिन पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी थी। तो मतलब जब आपने रिटर्न कर दी तो मैजिकली कैसे वहां पर आ गई, हम तो मतलब सोच ही नहीं पा रहे। दीदी, सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं? नहीं, आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया एंड फिर उसमें आपने रिटर्न कर दिया। ऐसे करते हैं लोग, कोई बात नहीं है। क्या हमने इसके देखा बाद आपके ऐसे कौन? इंस्टाग्राम पे, हमने आपकी तस्वीर देखी 3 दिन पहले एक आपने मिनट डाली है। एक मिनट, आर यू स्टॉकिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम? आर यू स्टॉकिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम? ब्लडी हेल, हु इज दिस? No, हम इंस्टाग्राम पे आपको स्टॉक नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं मतलब हमारे साथ में कौन कौन खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है ना? देख रहे? व्हाट खिलवाड़? साले कहाँ से खिलवाड़े? दोस्त आप इतनी जल्दी इतना गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? हमने जो गुस्सा तो नहीं हो तो और क्या हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। लड़की कुछ बोल रही थी, क्या समझा हमसे ही गलती हो गई दीदी, सॉरी। आपको? साले गलती गलती माय फुट हु इज दिस? नाम बता अपना, नहीं नहीं तो हमसे नहीं कंप्लेन हमसे करवा दूंगी मैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपका वो देखा कि आपने हमारी इयररिंग पहनी और रिटर्न कर दिया, सॉरी। आप हेलो, सुन, तू मेरी बात सुन। गो टू हेल, ओके? गो टू हेल। हेलो मैम, से बोल रहा था। हाँ बोलिए। मैम, आपने कुछ ऑर्डर किया था हमारे वेबसाइट से, राइट? या राइट मैम, वो पैक हो चुका है, वो डिस्पैच भी हो गया था, लेकिन हमने उसे वापस बुला लिया है। कुछ दिनों में हम आपको पैसे भी रिटर्न कर देंगे, लेकिन वो सामान आपको नहीं भेजेंगे। क्यों? मैम, वो हम नहीं भेज सकते क्योंकि हम आपको समझ चुके हैं। सॉरी, समझ चुके? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम आपका खेल समझ चुके हैं, ठीक है? नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह में दीदी शामिल किया जाएगा। इस तरीके पूरी स्ट्रैटेजी बना के जो आप खेलती हैं, ठीक है ना, आप सामान मंगवाएंगी, पहनेंगी, फिर उसे रिटर्न कर देंगी, 15 दिन में कैशबैक भी आ जाएगा, मतलब पैसे भी आपके, सामान भी इस्तेमाल हो गया। ये जो खेल है, नायाब, अद्भुत, अदम्य साहस की परिभाषा है, हेलो, अबे ये मिटती मानवता की एक साले कहीं के तो तू भी उनसे मिल चुका है क्या? हाँ, एकदम आदत उन्हीं आएगा हम आप हेलो। हे, हाय, दिस इज सैफ। सॉरी, हे, दिस इज हे, राइट यार, एम आई स्पीकिंग टू अंतरा? हे अंतरा, हाय 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 सैफू। हे सैफू, हे यार, डोंट 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 गेट दैट क्लोज, ऑलराइट? लिसन, द थिंग इज यार, हम एक फिल्म बना रहे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पार्ट 2, एंड वी वॉन्टेड टू कास्ट यू यार। वी नो दैट यू आर एन एक्टर एंड यू आर इंटरेस्टेड इन टू एक्टिंग, यू आर एस्पायरिंग मॉडल। Oh my God, is this true? Yeah, this is true, यार, because you know, हमें ऐसा लगा कि मैं अनाड़ी का रोल प्ले कर सकता हूँ, बट खिलाड़ी का रोल यार तुमसे अच्छा और कोई प्ले ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने यार ऐसा खेल खेला है। आई मीन यार, टू गुड, टू गुड। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। यार, तुमसे बड़ा खिलाड़ी देखा नहीं। सामान मंगाओ, यूज करो, वापस करो, पैसे अपने अकाउंट में ले लो। आप समझ रही है ना दीदी? दीदी कहाँ के सैफ हो तुम? कहाँ से बातें कर रहे हो? वही हूँ जिसको थोड़ी देर पहले तू सैफू सैफू बोल रही थी। सुनिए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपकी मम्मी के कहने पर ही मैं आपका मुर्गा बना रहे थे। Oh my God. You know, oh my God. तुम्हारी चीजें और मंगाने के कारण मम्मी का आराम हराम हो गया है। दोपहर में घंटी बजते रहती है मम्मी, ठीक है ना, कभी रिटर्न करती है, कभी लेती है। क्यों करती है तू? Now I get it. Now you get it. But what are these companies getting out of you? Nothing. 93.5 रेड एफ एम।
बजाते रहो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो, हितेश बेटा। जी कौन बेटा? पूजा को जानते ना आप? जी जी जी, मैं पूजा का चाचा बोल रहा हूँ बेटा। प्रणाम अंकल। तो बेटा ऐसा है कि आप लोगों ने यार खानदान से बात छुपा करके रखी इतने साल तक। अंकल ये सब बात छुपाने की नहीं होती ना, बताने की होती, सब गर्व की बात है बेटा। हम लोग बताने आज के जमाने में ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं, बस वही मौके का बेटा। हम देखो, हम चाहते हैं कि पूरी सहमति के साथ पूरा परिवार इकट्ठा हो। तारीख निकाली हमने, बहुत अच्छी तारीख निकली बेटा, 25 तारीख। जी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अंकल। हम चाहते हैं बेटा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। जी जरूर जरूर, है ना? इतना 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 पाक रिश्ता आप दोनों का, आप ऐसे मतलब दुनिया से छुपा कर, ये गलत बात है ना, पूरे परिवार के सामने होना चाहिए। हिम्मत जुटा रहे थे अंकल, बस हिम्मत ही बेटा। भाई बहन के रिश्ते में क्या हिम्मत जुटाने की बात है, है ना अंकल? पूजा की शादी है 25 तारीख को बेटा, हम चाहते हैं आप घर पे आए। भाई बहन के रिश्ते में क्या ऐसा है ना? भाई बहन अंकल? बेटा आप पूजा के भाई लगते हैं ना? क्या बात, आप भाई लगते हो पूजा के? बेटा देखो, अभी शर्माओ मत, ठीक है? आप आओ हमारे घर पे आओ, सारा अरेंजमेंट है, 3 दिन रहना आपको, ठीक है? और अंकल देखो, मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं बाद में बात कर रहा हूँ आपसे, मैं थोड़ा अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हितेश क्यों? हितेश बाद में क्यों? हितेश बेटा अभी बात कर लो, देखो इसमें शर्माने की, हमने पहले कहा शर्माने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मान नहीं रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। हितेश हेलो, हितेश बेटा। हाँ सुनो बेटा, ऐसा है कि हम एक घड़ी ले रहे थे, ठीक है? तो सुनो एक मिनट बेटा, पहले बात सुन लो। घड़ी ले रहे थे, पूजा ने कहा था, तो वो घड़ी के डायल के अंदर में ऐसे लिखवा दे क्या, वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर? क्या क्या लिखवाएंगे? अच्छा एक काम करते हैं, आपको बुरा लग रहा है तो फिर बड़ी वाली वॉल क्लॉक लेते हैं, उसमें लिखवा देते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। बात किया जा रहा है सपने, भाई बहन मनाते, कोई अंकल अंकल नहीं आदमी है। तो चाचा बोल रहे थे बेटा। हेलो हेलो, हितेश जी बोल रहे हैं जी, आप कौन जी? मैं आपके जो गर्लफ्रेंड है उनके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। मतलब आप पूजा के बॉयफ्रेंड है ना? हाँ हाँ, तो मैं उनकी बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, और वो गर्लफ्रेंड जो उसके बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड को पका के रखा है, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और क्योंकि आप मेरे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे लगता है आपको आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की जिंदगी से अपनी गर्लफ्रेंड को हटा ले और हम दोनों को जीने दे। अरे मैडम क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी के बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड होते हुए भी अगर वो किसी और के बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहली वाली गर्लफ्रेंड होने के नाते उसके बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को फोन करूं और उससे रिक्वेस्ट करूं खरी खोटी सुना के भी कि वो मेरे लाइफ से प्लीज 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 उसकी गर्लफ्रेंड को निकाल के ले जाए। बड़ा ऐसा मुझे बता दो, बड़ी वाली घड़ी पे लिखवाऊं? वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। वैसे शादी तो फिक्स हो गई है पूजा की, 25 तारीख को हो रही है। अरे कर ले, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपकी गर्लफ्रेंड पूजा के कहने पर ही हम आपका मुर्गा बना रहे थे सर। मजाक कर रहे हो भाई बहन? देखो हम अब पर्सनली चला के मजाक नहीं करते, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला था तभी कर रहे थे। ऐसा गर्लफ्रेंड से अच्छा आप ही की तरह हो जाए बिना। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, बताइए हमको कौन सा छोटी घड़ी में चाहिए ना बड़ी घड़ी में चाहिए? हेलो, आपने कल या परसों कोई बॉल पेन खरीदी थी क्या?
कंपनी की। कौन बोल रहा है सर? मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने वो बॉल पेन खरीदी थी। अच्छा, क्या हो गया? दरअसल वो जो बॉल पेन आपने खरीदी है ना, उसकी बॉल हमें वापस चाहिए थी। बॉल चाहिए के? कौन बोल रहा है मैं तुम साला? हम कंपनी से बोल रहे, लेकिन आपका लहजा सुनकर के हमें बड़ी हंसी आ रही है। अबे लहजा गया, लहजे के अंदर तो बॉल है ना साले, वो फेंक के मारूंगा। नहीं दरअसल क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना अभी क्रिकेट मैच। अबे तो तुम बॉल के साथ खेलो ना के? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बॉल इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए वो पेन की बॉल चाहिए। अबे तुम्हारा कोई ऐसे बॉल वापस मांगता है? कभी पास जाना तू जाएंगे हम टट्टी करने, दो गोले निकालेंगे बॉल, वो देता तेरे को मैं, अरे बॉल पेन का बॉल वापस चाहिए। अरे वाले फिर कॉल किया तूने, मेरे को बॉल वापस चाहिए ना, एक काम कर, एक 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 मिनट मेरी बात सुन, तेरे को अगर बॉल वापस चाहिए ना तो तू ना अभी मेरे पास आ। एक मिनट, मैंने बॉल लेने के लिए कॉल नहीं किया। तो किस लिए कॉल किया? मैंने बस इतना कहने के लिए कॉल किया, आपके साथ चिंदी चोर आदमी मैंने देखा नहीं, खाली पेन का बॉल ही तो मांगा था आपसे, कौन सा आपकी बीवी मांग ली थी आपसे? मैं बता रहा हूँ तेरे को, कौन क्या बात कर रहा है? सर मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और हम लोग आपका मुर्गा। भाई तुम पागल हो गया, मुझे गाली। आदमी भेज रहा हूँ, बॉल निकाल के दे दीजिएगा। आप आओ यहाँ पे, साथ में बॉल खेलते हैं। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हेलो, आपका बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, बिल का अमाउंट थोड़ा बड़ा है और तीन दिन निकल गया ऑलरेडी। इतना बड़ा है जी, 200-300 रुपया तो आता है तो भर दिया जाए। एक मिनट, आपको गलत फहमी हो रही है, आपका 300 रुपए का बिल नहीं है, आपका 24,687 रुपए का बिल है। 24,000 का बिल? पागल है क्या जी? पागल क्या, आपका यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है, आपका पेमेंट है जो आपने अभी तक किया नहीं है, और तीन दिन हो गया, बकाया डेट निकल गई है आपकी। अरे अरे 24,000 बिल कहाँ से आएगा? बताएं, आपका घर का बाहर में गणेश पूजन का प्रोग्राम हुआ था। तो गणेश पूजा हुआ तो मेरे घर में बिल आएगा। सुनिए ना, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर वो बत्तख वाला लाइटिंग लगाया था, बत्तख ऐसे उठता है पानी में घुसता है, उठता है पानी में घुसता है, जो आप अपना बेटवा को ले जाकर के दिखा रहे थे बार बार लगा था। तो वो जो पंडाल का बिजली का कनेक्शन गया था, वो आपके घर से हुकिंग मार के ले गए थे, अभी आपको ये पेमेंट करना, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। दिमाग खराब है का जी, मेरे घर से कैसे जोड़ दिया, जबरदस्ती का बात कर रहे हैं? तो हमको हमारे ऊपर में काहे चिल्ला रहे हैं आप? आपको देना पड़ेगा 24,687 रुपए। अरे साला फ्रिज में बंद करने बोला ना तुमको, नहीं देख पा रहे, रख दो साला, बिल आया 24,000 का, तुम लोग साला पंखा टीवी एलईडी सब दिन भर चलाते रहता है साला। आपको 24,600 बिल हम नहीं भरेंगे, बिल हम नहीं भरेंगे, वो तो आपके में हम निकाल लेंगे। एक मिनट, बिजली विभाग वाले को गाली तो ना दे पहली बात। बिजली विभाग में हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। फ्रिज बंद करवाइए पहले, फ्रिज बंद करवाइए, आपका फ्रिज चल रहा है, बंद करवाइए। बंद करना चलते बंद कर। हेलो, 24 घंटा था घर वाले को घर आने में लग गया भाई। आप भी तो बैठ करके पंडाल का बत्ती देखे, इतना देर पैसा तो देना पड़ेगा। बत्ती देखे तो हम कहाँ से देंगे पैसा? आपको कोई हमारे ऊपर आए हंस रहे हैं आप? अरे आपका कोई बिल नहीं आया 24,687 रुपए का, मजाक कर रहा था। मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप लोग सही टाइम पे जलाते हैं आप। हेलो जी, नमस्कार पांडे जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? क्या कौन? आपके मित्र यहाँ पर हमारे साथ में हॉट सीट पर हैं, जो 1 करोड़ रुपए के सवाल पे अटक हैं। अगली आवाज आपके मित्र की। कौन भाई? अन्त यो धर्म तला में एउटा कुडा पाउँछ कि एउटा लुगा हो, एउटा त्यहाँनिर हाफ पेन्ट पाउँछ हो, कुन चाहिँ लु चारटा मैले अप्सन भने त्यहाँबाट त कुन चाहिँ ठिक आपका सवाल निकला जा रहा है। सुन तो लो अरे भैया, सवाल कौन कौन? अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको 50 लाख मिलेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट से। क्या क्या? चिटो चिटो माने ढिलो वैसे, कुन चाहिँ जीन्स पेन्ट पाउँछ कि त्यहाँनिर? कौन बोल रहा है भाई, बता कुछ, कौन सवाल? समय खत्म हुआ, अफसोस आप 50 लाख रुपए नहीं जीत पाए, जवाब नहीं देने के कारण आपके अकाउंट से 200 रुपए का रिचार्ज काटा जाएगा। अरे साला कौन बोल रहा है रे? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। कौन अमिताभ बच्चन बोल रहे हो? अबे अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हो? 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से, हमने गाली दिया। काट लिया सर। अरे सुनो अमिताभ बच्चन, बाप हो इसे काट लो पैसा हमारा। हेलो साले, आवाज नहीं निकल रहा, गले लुटने वाले, पैसा काट लोगे हमारा। आज का शो खत्म हो गया यहीं पे। हेलो, नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे, आपने थोड़ी देर पहले केबीसी खेला था क्या, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फोन आया था मुझे ऐसे ही। सर आपके फोन से 200 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा सर।
कोई फोन करेगा तो बैलेंस काट लोगे हमारा फोन से। कॉन्टेस्ट तो आपने खेला है सर, ये 200 रुपए खेले थे कॉन्टेस्ट। साला फोन आया था हमको, कह रहा है कि सवाल बताइए 50 लाख रुपया देंगे। 200 रुपया तो आपके अकाउंट से काटा जाएगा सर, और आपको एक फ्री देंगे तुम्हारी घुस के वहाँ पे पैसा काटोगे हमारे अकाउंट से। तो केबीसी का ऐप मिलेगा आपको, आप घर बैठे खेल सकते हैं। कौन मेरा हमको केबीसी का ऐप, साला फोन करते हो पैसा भी काट लेते हो। आप गाली ना दे सर, इसके कारण आपके नहीं सर, गलती हमारी है सर, 200 नहीं 300 काटा जाएगा सर, जीएसटी सर्विस वैट लगा करके वो 200 का 300 हो गया सर। पैसा कटा ना तो घर में घुस के ना इस सर बचाएंगे तुम्हारे ना, कि तू समझ लेना उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। हेलो, देखिए आवाज है तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था, आपके मित्र की अगली आवाज सुनिए। सुबह पांडे आपको जिताएगा 2 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका यार प्रवीण भाई मतलब मुर्गा बनाया था यार, मुझे तो एक पल के लिए लगा था सच्ची केबीसी से कॉल आ गया। हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना तो आपका घर साफ साफ दिखता है, और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम खुद देखते हो तुम मेरी बीवी को, तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो? और तो और, झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। आपका लौंडा जो है और भी बदमाश है। उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना वो शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ, पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके का, मेरे का हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखते हैं हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हाँ। इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए, पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है माइके? अरे सर हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर, इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो तुम लोग सबसे घर के सामने झूला। हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था, एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कॉन्टेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड, एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी, एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा, एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है? आई आउट ऑफ योर माइंड, एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके? पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है उसकी, शक्ल उसने देखी है। आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपके शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना डर जाएगी वो। So, हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लग रहा है? जब आप पाउट निकालती है तो ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए आप चाहे ना मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। जो भी बोल रहा है फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना। हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम।
अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500 आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख लेते हैं। जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम्हें रोज होता है। अनारकले शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ आई एम ड्रीमिंग। नो यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउड बड़ा बनाती है तुम, है होट से गोल गोल करके रोटी भी बना लेती होगी। ओफो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना। हेलो जी, अविनाश गोयल जी से बात हो रही है। हम केम बोल रहे थे और आपका एक 7,500 रुपए का बिल पेंडिंग है। कौन सा बिल भैया? आपके घर के सामने वो पेड़ है ना एक बड़ा सा, सामने पेड़, वो तो उखड़ गया अभी, तो उसी के लिए बिल है 7,500 रुपए का। वो हमारा पेड़ थोड़ी ना भाई, आपके हरकतों के कारण पेड़ गिरा है। ये नेचुरल कैलामिटी है, प्रॉब्लम आपकी है। आप अपने कुत्ते को हर दिन घुमाने के लिए निकालते हैं ना सुबह सुबह, कुत्ते को सुसु कहाँ कराते हैं? पेड़ के सामने में कराते हैं। उससे पेड़ का, कुत्ते के पेशाब में पौष्टिक आहार होते हैं जिसके कारण पेड़ की जो नब्ज है वो गीली हो गई और ढीली हो गई है। और दूसरा, आप वो पुड़िया खा खा करके जो पेड़ के वहाँ पर थूकते हैं उससे जमीन गीली हो गई है और आंधी तूफान में पेड़ गिर गया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम अभी ऑफिस में है, धंधे का टाइम, हमें आपके चलते हमारा धंधा खराब हुआ है। वहाँ पर आदमी लगवाए, हम मशीन लगवा करके 7,500 रुपए खर्चा लगा है। सीएससी वाले ऊपर से खड़े हमारे ऊपर में, क्योंकि उनकी तार से हुकिंग करके हमने वो मशीन चलाई थी। तो जो आदमी ने ना कटिंग करा ना पेड़, हम उन्हीं से आपकी बात कराएंगे, उनको नंबर देंगे, बोलेंगे भैया पैसा इन्हीं से कलेक्ट कर लो। देख कौन हमसे पैसा लेके जाता है। देखिए ना, अब आप देखिए क्या होता है। हेलो, 7,500 रुपया हुआ है आपका। बोल कहाँ से रहे हो? टीएम से हमको कॉल आया था, आपका नंबर मिला है, हमको बोल रहे हैं कि आपसे पैसा लेना है, आप तो पैसा दे नहीं रहे उनको, तो हमारा गरीब का पैसा जो है वो दे दीजिए हमको। यहाँ से कॉल है उनको, तुम फोन करे वापस, तुम पैसा तो हम। सुनिए भैया, गरीब आदमी हम लोग 4 आदमी घर में बैठ के खाता है, दिन भर काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग को पैसा नहीं दीजिएगा? सबका ठेका, तो आपका कुत्ता जाता है वहाँ पर, आप पान का पुड़िया थूकते हैं वहाँ पर, तो गलती तो आपकी है ना। पान का पुड़िया सब थूकता। अरे मालिक छोड़िए ना, इसका घर के बाहर में तो हम लोग खड़े हैं, अभी चलिए ना घर का, घंटी बजाइए ना इसका। 100 मशीन का 100 मशीन है, लीजिए ना, स्टार्ट करते अभी। देखिए भाभी तो होगी ना। अरे भाभी जी दरवाजा खोलिए, हमारे घर का दुपट्टा लग रहा है, भाभी जी नहा रही है। चेन सो स्टार्ट करो, गेट ही कसला काट रहे हैं। अभी मशीन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा डोरबेल का स्विच खोल लिया है, रात को आओगे ना तो गलती से उसमें उंगली घुसा के दबाव मत देना, करंट लगेगा, झटका सीधा मर जाओगे। हम तुम्हारे तार लगा के तुम्हारे करंट उतारेंगे। बहुत गंदे शौक रखते हैं आप। अविनाश जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे कर दिए यार तुम भी। एक बात बताइए, भाभी जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अब उनका नहाने का टाइम है क्या अभी? भैया एक्चुअली घर में भाई कोई नहीं, हम बोल कर रहे थे कोई घर पे नहीं, तुम काहे परेशान कर रहे थे यार? हम लोग तो अपना एक्साइटमेंट में सुने ही नहीं आपका बात। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके, हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा, उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है, एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। बिल्कुल मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पांव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं, सो यू विल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा, लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे जैसे, तो ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। Ah, ah, oh, okay, perfect. Go on, baby, go on. Ah, ah.
या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इस एड का। हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं, तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, वी विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं वो बात नहीं, बट चाइनीज कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज भी तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना, उनकी अपनी टोनालिटी होती है तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज भी चिल्लाते कैसे मुझे बता दो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई। कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एक मौका देके तो देखिए। हाँ तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया, ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या तुमको? चाइनीज है तुमको, तेलुगु तुमको, साले का तुम्हारे अंदर। हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे हैं। अरे प्रवीण भाई क्या भाई, आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विक्रांत जी का, जिन्हें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फोन इतना वेटिंग पे रखते हैं कि आज वो अपना बदला बैंड के थ्रू निकलवा रही है। बजाओ। हेलो, हाय गुड इवनिंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर विक्रांत। या हाय विक्रांत, एक सेकंड जरा चौबे जी बात करेंगे आपसे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, किससे बात करिए बताइए? चौबे जी, चौबे जी एक सेकंड क्षमा चाहूंगा आपसे, एक सेकंड अभी आ रहे हैं। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, हाँ जी बिल्ली खरोड़ा बात कर रही हूँ, बताइए कौन? चौबे जी एक सेकंड, चौबे फिर तो गलत जगह फंस गए आप, एक सेकंड। अरे भाई बता तो दो कौन है ये चौबे? चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? चौबे जी से बात करनी थी जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो आप, चौबे जी के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? अपॉइंटमेंट मेरे को तो उनका फोन आया था जी, आपके किसी कॉल एग्जीक्यूटिव का, चौबे जी से बात। एक सेकंड होल्ड करो जरा। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो कौन बात कर रहा? चौबे जी से बात करनी थी, चौबे जी बोल रहे हैं? नहीं जी चौबे जी तो नहीं बोल रहा मैं। अरे क्या तरीका मिला रखा तुमने, पागल बना रखा, तुम्हारी तरह खानी है क्या? चौबे जी के घर देर है अंधेर नहीं, कृपया करके संयम बनाए रखें, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। हेलो चौबे बोल रहे? हाँ चौबे बोल भाई, कहाँ फोन किया था? कहाँ बोल रहे थे? अरे दिल्ली से बोल रहे हो, तेरी तुम्हें कब से चौबे चौबे कर रहे हो, 15 बार फोन तब तू बात करने आया? अरे मेरे मालिक क्या गुनाह हो गया उनसे, फोन ही नहीं उठाते हमारा, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी? एक घंटे से फोन होल्ड पे डाल के तू इंश्योरेंस वाला बोल रहा है, कभी चौबे जी इंतजार कर रहे हैं, किसी चौबे जी के घर में अंधेर है, तेरे घर में अंधेरा ला दूंगा मैं। अरे मेरे मालिक, अरे मेरे अपने नाम से ज्यादा मुझे चौबे सुनाई दे। मैंने अपने दोनों हाथों को जोर बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरा फोन चार्जिंग पे था, मेरे ख्याल से उससे पहले पुरुषोत्तम जी ने फोन जो है चार्जिंग पे लगा रखा था मेरा, मैंने उनको कहा था आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे, तो मैंने उनको कह दिया था कि जैसे ही विक्रांत जी का फोन लग जाए तो आप दे देना। तो विक्रांत जी का फोन लग जाए, एक घंटे से फोन पे इधर से उधर घुमा रहा है, कभी पंजाब लग रहा है, कभी बिहार, पूरा इंडिया तुमने घुमा दिया, पागल समझ रखा है। विक्रांत भाई, हेलो हेलो, एक सेकंड भाई, और गाली मत देना प्लीज, सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूं, आपका बैंड बजा रहे भाई भाई भाई, तुम लोग तो भाई बैंड बजाते रहते हैं यार, बंदा का बैंड बज ही जाता है यार। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विनय बंसल जी का, ताज़ा इन्होंने ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी थी, नहीं कुछ नंबर वगैरह कुछ नहीं डाला था, लेकिन ऐसी रकम लिखे जा रहे थे। अच्छा जी बजाओ इनकी बैंड, वो मतलब बैंड। हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर बंसल। Yeah. Hi Mr. Bansal, this side Richard, I'm calling from California and last evening you made a bid California, for... Noida ka number lag raha hai, just a second, I think. Mr. Tungsten Tiwari. Yeah, speaking. Where are we calling from? I am Tungsten Tiwari from Noida. And okay, yeah. Mr. Bansal, he's the translator. Uh-huh, I know okay. Because you're an Indian and we have a Hindi speaking translator. Okay. So just wanted to inform you that you made a brilliant bid last night. So now we want to congratulate you and this car, vintage, beautiful car, belongs to you. नहीं भाई साहब मतलब बोल, ये गाड़ी आपकी होने वाली है, जल्द ही आपके घर के बाहर होगी।
so that the amount comes to 22 lakhs dollar. 22 lakh डॉलर मैं बताता हूँ, 22 पेटी देनी है गाड़ी की। 22 लाख समझ में आ रहा है, 22 पेटी 22 लाख समझ में आ गया, लेकिन मैंने कौन सी बिट लगा दी ऐसी, करो तो मैंने मजाक में लगाई थी। एक मिनट सर प्लीज, मोर गोइंग ऑन, स्पीक प्लीज मोर इंग्लिश। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वी ऑल्सो हैपन टू हैव दिस ऑप्शन ऑफ सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। इनका कहने का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी होता है, कच्चे नोट ताजे नोट पेटी में बंद करके देने हैं। क्यों देने भाई साहब, जब नहीं है। आई थिंक ही इज कॉलिंग फॉर एन एग्रीशन। सो जी, कैन वी हैव सम शैंपेन प्लीज। इनको समझाओ कि मेरा 22 लाख डॉलर नहीं है, मैंने ऐसी मुझे में लगाई थी, बट ऐसा कुछ नहीं। ओके, मैं समझ गया सर, ये कह रहे हैं ही लव्स योर ऑफर और जल्द से जल्द पैसा आपको दे देंगे। इट इज वंडरफुल। ऑफर क्या कर रहे हो? प्लीज मोर धासु इंग्लिश स्पीक। ओके, आई थिंक ही इज ईगली वेटिंग फॉर द कार। यस, ही सूजी, कैन यू प्लीज कम फास्ट, एंड वी विल आल्सो प्ले दैट कैसेट इन योर फेरारी। चलो चाहिए 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 चाहिए। भाई साहब क्या बातें कर रहे हो, मैंने कोई नहीं लेनी गाड़ी। आपने बिड किया ना, तो सर स्पीकिंग सम फैंटास्टिक एंड फैबुलस। ऑलराइट, सो कंस्टेंटिन को समझा दो, ऐसे मैं तुमने मेरे को कहां से ले लिया भाई, मैं तो नंबर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यू हैव हिज आईपी एड्रेस, इफ ही इज सेइंग दैट एड्रेस थिंगी। हर्ष विहार। हां जी, हर्ष विहार, पुष्प विहार, हर्ष विहार। हेलो, एक मिनट, मैं तो सुन लूं, बीच में बोल ले, मेरे को ना सुनने दे सर, प्लीज स्पीकिंग अगेन। तो मैं बोलूंगा ना, आई एम टेलिंग हिज एड्रेस, हर्ष विहार। या सर बिल्कुल, न्यू दिल्ली। या न्यू दिल्ली है सर। या मैं फोन लग रहा, मेरे पे फोन नहीं आ रहा कुछ, तू ही बात कर ले टेंशन इससे। सर ही इज वेरी हैप्पी एंड ही शैल बी, ही मस्ट बी, ही मस्ट बी, इट्स अ फेरारी। ओ भाई साहब, ओ धन्यवाद, हेलो, थैंक यू, ही शैल बी डिजर्व। यार फिर एक बात बताइयो, कल काहे ने बिट कर दी थी तूने, हैं? हमारी मिन्नत कर लाग रहा है तू, अरे सूजी ला रही है कि नहीं ला रही यार? ले कैलिफोर्निया से जाट बन गया है, राणा आ गया। अब क्या करें, इतनी देर से इंग्लिश बुलवा रहे हो आप मेरे को, मेरे उन्हें अच्छा लग रहा है। सुप्रीत 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का खड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आशीष आपका बैंड बजा रहा हूँ। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विकास जी का, जो हाल फिलहाल में घूमी घूमी करके आए, वो भी 60% डिस्काउंट पे होटल वगैरह का। अब भैया इतनी बढ़िया डील मिली, किसी की नजर ना लग जाए। टीका लगाओ, बैंड बजाओ। हेलो, नमस्कार, क्या मेरी बात विकास जी से हो रही है? Yes, विकास जी, मैं विनय मोहन बात कर रहा हूँ .com के बिहाफ पे। या विनय सर, आपने 60% डिस्काउंट अवेल करा था, हाउ वाज योर ट्रिप? द ट्रिप वाज क्वाइट गुड, होटल इज वेरी गुड, द सीनरी इज वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन हमारी तो नाक कटवाया है सर आप। क्या हो गया? हमारी तो मैंने कहा नाक कटवाया है आप। नाक कैसे कट गई आपकी? यू मेड आवर नोज कट। आपकी नोज कट गई? जी, हमारी बेइज्जती करा कर आए हो, मतलब कहने वाले, वो तो मुहावरा था, मतलब बेइज्जती करा कर आए हो आप होटल में। नहीं, आपकी बेइज्जती कैसे हो गई, मैं होटल में रह के आया हूँ तो आपकी कैसे बेइज्जती करवा के? सर आपने 60% का डिस्काउंट लिया, न जाने कहाँ कहाँ से आपने कूपन ठूस दिए हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करा आपने। करा कोई भी होटल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके आए हो आप? किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था? बस मैं तो घूमने गया था। ना आपने बेडशीटें धोई है, ना आपने पिलो कवर धोए हैं, ना आपने बर्तन धोए हैं, आप बताओ क्या हमारी इज्जत रह गई उनके सामने? मिस्टर आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, कोई कहीं घूमने जाता है तो क्या वो होटल में जाके बेडशीट धोता है, कपड़े? सर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े ना आपने। दिल्ली पालो पर दिमाग में ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड होल्ड करना, क्या कर रहे हो आप, थोड़ा ध्यान से। मेरा 2 दिन का था। नहीं, 2 दिन का था, क्या करें, अब आराम से दो ना, मैं बात। 2 दिन के ट्रिप में मैं 3 दिन से बर्तन धो रहा हूँ। कोई बात नहीं। हेलो, दिस इज द इनसेन। हाँ जी बोलिए सर। आप कहीं गए हो कभी? बिल्कुल गया हूँ, क्यों नहीं गया हूँ मैं? तो आप क्या बर्तन धो के आता हूँ वहाँ पे? भाई साहब तो फिर मैं 60% डिस्काउंट नहीं लेता ना। अच्छा, आपने ऊपर से खाना भी होटल वालों से नहीं लिया, आपने क्रॉकरी मांगी होटल वालों से, वो कह रहे हैं यार दाल सूखी हुई है, इन्होंने बर्तन ही नहीं मांजे। यार आप किस तरीके से बात कर रहे हो यार, आप इस तरीके से डील करते हैं अपने कस्टमर से, इज इट द वे? सर डील तो मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको सुना सकता हूँ, फोन जरा इधर कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। सिंगानिया जी, सर मैं ये बर्तन दे दिए, ये साफ कर दी, कढ़ाई में इतना कुछ था, किसने खाया था ये सब? अरे कौन है ये, फिंगाने पकड़ रखा है तुमने यार। 70% डिस्काउंट था इनका, 70% डिस्काउंट था, इन्होंने भी आपकी वाली स्कीम करी थी। सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, या तो आप देख लीजिए 37,000 रुपए जमा करा दीजिए, या फिर आप दिल्ली में कोई सा भी होटल आप चुन सकते हैं, वहाँ पे जाके आप एक दिन बर्तन मांज देना। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ, वो चादर धो लग रहा है? आप .com से बोल ही नहीं रहे हो यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको मेरे को एक बात बताओ, वैसे विकास जी पर्सनल रोड पे पूछो, आपको कोई दिक्कत ही वहाँ पे चादरें धोने में? चादरें धोने में बस मेरे को चादर ही धो रही थी, तो मैं घर पे नहीं रहता अपने, मैं वहाँ पे एंजॉय करने गया था कि चादरें धोने गया था? क्यों भाई, घर पे भी आप ही धोते हो क्या? हेलो भाई, एक सेकंड, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बज रहा था। मैं सुनता था हमेशा एफएम, मैं सोचता था कि कभी फोन कभी मेरे पास आ जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा। हेलो दादा, आपने मिनी सी
ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন? হ্যাঁ কাজ করি। দাদা দেখতেই তো পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছেন না? অনেক দিন হলো দেখতেই পাচ্ছি না দাদা। আপনি চোখে ডাক্তার দেখিয়ে নিন। না না আমি কি চোখে আলু নিয়ে ঘুরছি? কি দেখতে পাচ্ছেন না আপনি? মানে এত অসুবিধা জিন্দগি মে। কি দেখতে পাচ্ছি না বল না তাড়াতাড়ি। দাদা আপ তো রেগে যাচ্ছেন আপনি। আমার কাজ আছে সকালে। না হ্যাঁ তো কাজ তো আমারও কাজ আছে, আমার কাজের জন্য বেরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। কি দেখতে পাচ্ছেন না সেটা তো বলবেন। আপনি কেন বললেন মাঝখানে? একই মাছি আমার সঙ্গে। হ্যাঁ কি শুনতে পাচ্ছি না একটু জোরে বলবেন। বোকা বললাম। কিন্তু দেখতে পারছি না দাদা। কি দেখতে পাচ্ছেন না বোকা? जो आप जो बनाया था ना सुंदर सा ऐसा सीमेंट लगा के ड्रेनेज था आपने बनिए छिलेन तो हमारे इलाका प्रचुर परिमाणे जल भर्ती हो गए। हेलो हेलो। हाँ साड़ी से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। हेलो भैया कैसे हैं आप? मैं हमेशा आपके पास आती हूँ और बड़ी सारी साड़ियाँ लेके जाती हूँ, पहचाने आप? पारुल बोल रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम जी बताइए। जी भैया अरे अब इस सीजन के हिसाब से देखिए शादियाँ शुरू होने लगी हैं, मुझे कॉटन में बढ़िया बढ़िया बताइए क्या आया हुआ है आपके पास? जामदानी मिलेगी अभी? हाँ मिल जाएगी जी। और नहीं एक्चुअली चंदेरी में कुछ होगा? चंदेरी में बढ़िया से कलर्स और पैटर्न्स? मैडम चंदेरी में अच्छे अच्छे पैटर्न्स और बढ़िया बढ़िया कलर्स का कलेक्शन है हमारे पास। आया हुआ है चंदेरी में? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए बंगाली तांत में मिलेगा कुछ थोड़ा मतलब फैंसी सा? बिल्कुल जी मैडम आप शाम को आ जाइए, बंगाली तांत में अच्छा अच्छा वैरायटी का माल आ रहा है, आज शाम को जाएगा हमारे पास। मैडम आप चिकनकारी में देखे ना बहुत बहुत अच्छे मेरे पास में, एक बार आप हमारी दुकान पे आइए तो सही। अरे चिकनकारी में अच्छा अलग अलग कलर्स आए हुए हैं पेस्टल शेड्स? हाँ जी। और अच्छा ये बताओ ब्लॉक प्रिंट वगैरह और मतलब सब कलेक्शन है आपके पास? बढ़िया कलेक्शन आई हुई है इस वक्त मैडम। ब्लॉक प्रिंट का जो वैरायटी का माल हमारे यहाँ पे मिलेगा वो आपको पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैडम जी आप दुकान पे आइए, भैया जी अभी कल ही माल लेके आए, नई नई पेटी आपके सामने खोली जाएगी, अच्छे अच्छे प्रिंट निकलेंगे उसके अंदर। अच्छा भैया ये और बताइए कि आपके ओ मेरा ना दूध चढ़ा हुआ है गैस पे, मैं जरा एक मिनट में आ रही हूँ, आप होल्ड करिए होल्ड करिए। हाँ एक मिनट। ओके ओके मैडम ओके ओके। हेलो हेलो क्या बता रहा है इसको? जो मैडम जी अच्छे अच्छे कपड़ों तो की क्यों क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है? मत बता इसको, मत बता, मना कर दियो, कह दियो कुछ नहीं है, ये कह दियो अभी अभी लुट गया सारा माल, चला गया, खत्म हो गया। ठीक है भैया बोल कौन रहे हो? इसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, अभी किचन में है। मना कर दे, मना कर दे, कुछ नहीं है, कह दियो ब्लॉक व्लॉक जो था सब खरीद के ले गए, मना कर दीजिए। ठीक है यार अभी कैसे मना कर दे? अरे मना कर दे, अच्छा लगेगा चालान आता हुआ दुकान पे? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, भेजूं चालान अभी? चालान किस बात का? कौन हो आप? जिस इलाके में तुम्हारी शॉप है वहां का एसएचओ हूं मैं। ठीक अभी आना नहीं हुआ ना कभी पुलिस स्टेशन, इसलिए मुलाकात भी नहीं हुई। मना कर दीजिए, एसएचओ हूं वहां का, मना कर दे, आ रही है, मैं जा रहा हूं। ठीक है मना करियो, मना, मैं जा रहा हूं। ठीक है सर। हेलो हाँ हाँ जी भैया भैया मैं आ गई वापस। हेलो हाँ जी मैडम जी आप बता रहे थे ना बड़ी सारी पेटियां नई आप आज खोलने वाले, तो शाम में आ जा रही हूँ मैं। मैडम वो माल पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमारा बिक गया पूरा, अभी 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 जस्ट सेल हुआ पूरा। भैया दो मिनट एक मिनट में मैं आ गई हूँ, माल कैसे बिक सकता है? मैडम ये ब्लॉक ट्रेन का इतना ट्रेंड है, शटर उठाते ही पूरा माल बिक गया अभी तो। अच्छा ब्लॉक प्रिंट बिक गया तो चिकनकारी चंदेरी ये सब और तो? मैडम चंदेरी और ये चिकनकारी जो भी है बहुत गंदा ब्रांड है हमारे पास में, आप मैडम प्लीज मत लो। क्या बोल रहे हो आप? अभी तो आप कह रहे थे बड़े बड़े नई नई पेटियां खुली हैं, सब कुछ नया आया है माल। नहीं मैडम वो पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पूरा बिक गया, सेल हो गया पूरा। चलो फिर भी मैं आती तो हूँ शाम में, देखते हैं कुछ तो बचा होगा, कुछ तो आपके पास। नहीं मैडम आज छुट्टी है, आज मैं दुकान पे आया हूँ, खाली साफ सफाई करने आया था मैं तो बस। अरे कमाल हो गया। हेलो अरे यार उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हेलो 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 हाँ भाई नवेद बोल रहा हूँ मैं, I'm sorry, तुमसे मजाक कर रहा था, तुम बेचो यार अपने काम पे, नहीं सुनो अपने काम पे नुकसान मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहा था मैं और पारुल। हेलो हेलो डॉक्टर रस्तोगी? हाँ जी डॉक्टर रस्तोगी बोल रहा हूँ। सर आई एम सॉरी मैंने आपसे अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया लेकिन मैं फोन पे बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ जी बताइए डॉक्टर। मैं बहुत दिन से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दिन से बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे ना डॉक्टर मुझे हमेशा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। Okay, तो आपको हमेशा लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है? Always. दिन में या रात में? नहीं पहले मुझे रात में लगता था, जैसे मैं अभी बताता हूँ, अभी मैं रिसेंटली गया था कहीं पे तो मुझे पहले मुझे लगा मेरा वहम है,
मुझे ये लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर मैंने हिम्मत अच्छा। करी, मुझे लग रहा था रात रात में हो रहा है, लेकिन डॉक्टर अब दिन में भी लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अच्छा, तो आपको ये हमेशा होता है कि ऑलवेज? हमेशा डॉक्टर, हमेशा मतलब हद तो ये हो गई है। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो सब बात कर रहे होते हैं और मैं चुप इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। अच्छा डॉक्टर, मुझे अब भी लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। देखिए, कभी कभी ऐसे वहम से होता है, साइकोलॉजिकल होता डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि वहम होता है, लेकिन ये बड़ा इरिटेशन है, इसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन है, घबराहट भी होती है। मतलब मुझे आप यकीन करेंगे, मुझे अब भी लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अरे आप अभी मुड़ के देखिए, नहीं, अरे मुड़ के देखिए, मेरे कहने पे देखिए डॉक्टर, मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। अरे आप मेरी बात तो समझिए, एक बार मुड़ के तो देखिए, कोई है? नहीं डॉक्टर, पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। तो फिर डॉक्टर, ये 2 महीने पहले ना मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया था, उनकी दवाई से मुझे ठीक हो गया था। अच्छा, तो उनकी दवाई खा के आपको लगता था कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है? हाँ, उनकी दवाई खा के ये नहीं लगता था कि पीछे कोई खड़ा है, उनकी दवाई खा के ये लगता था कि आगे कोई खड़ा है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई है जिसमें ऐसा लगे साइड में कोई खड़ा है? क्योंकि आगे से क्या होता है, मैं ड्राइव करता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, और किसी से बात कर रहा हूँ वो आगे खड़ा हो जाता है। डॉक्टर, मुझे लग रहा है मेरी बाईं तरफ कोई खड़ा है, इसको कहते पीछे खड़ा हो जाओ थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम लिया। बाय बाय। ओके, हेलो। हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्री का है। हाँ, जो भी है पुत्री, सब गलत है। कौन सा, पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरु जी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे हैं। हाँ तो सब गलत लिखा इसने। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन उठाइय। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी। हाँ तो। और रोई तो। हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बता ना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल क्या लिखा है? तो एक बताइए मास्टर जी। सवाल ये शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हाँ। मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। हेलो, तो पागल है क्या? नालायक, गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रहे हैं? क्या किया प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार? पेशाब कर रहे हैं? बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? कहाँ पर? दो पागल, फोन काट दू। क्यों काट दू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है? पेट को डांट रहा है। तू सही डांट रहा है वो? क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर पे पेशाब करता है। पेपर पे? घरवालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले। हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा? मास्टर साहब। हाँ मास्टर। बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। चौक है? है। चौक। टेबल चेयर है? है। टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोले तूने? मास्टर साहब, दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। भाई सुरभि जी ने फोन करके बहुआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी, ये क्यों नहीं होती? इसमें बहुआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया एक बार फिर से बुला। बैरागी कौन? बैरागी। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप। हाँ। भाई साहब पागल हो गए। किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ, सुन जिम्मेदारी। हाँ। घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, फालतू जिम्मेदारी। छोटा सा ब्रेक। दिमाग मत खा जल्दी, खाली पेट दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को
शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा? खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा, पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसे कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? छोटा सा ब्रेक। लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं। सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है भाई साहब आप हैं लाइन पे? तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता, मंथन किया। जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर, सागर में मंथन हुआ। क्या बात। तो सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले। थैंक यू वेरी मच। मैं IAS। भाई साहब आप लाइन पे है ना? अंडा बोला आपने, बैठागी को फोन दे कह रहे हैं। भाई साहब कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। सिंह ने फोन काट दिया। कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं बहुआ, और मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू। इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो। मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा भाई, मुझसे बात कर। एक सेकेंड, बहुत कुछ हो। क्या एक सेकंड? कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, आपसे दो मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। हाँ। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दी? अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के, बेटे से बढ़ के। डॉगी, डॉगी घड़ी का। कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, नाम रखे। हेलो। तो पूजो ने जैसे सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम, खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से, उन्होंने जाके ताई को काट, ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो नहीं, एक सेकंड। आज ताई जी अकेली हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के, तेरी किसने दी मुसीबत? पूजो, पूजो का मेयर अटैक, अटैक पूजो, अटैक पूजो तेरी काट लेगा। कविता जी कह रही थी रौनक सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इस पे बउआ से कुछ करवाओ, सुनिए। हेलो नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। समझा नहीं। मैं कह रहा था आपसे, म्याऊ। हेलो, एक दरवाजे पे कोई है, एक सेकंड। म्याऊ। अच्छा बिल्ली कौन है? तू कौन है भाई, क्या है लगा? मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे घर बिल्ली आई है। म्याऊ। अच्छा आओ आओ। अब आ तो गई। हाँ, कितना आएगी? कितना आएगी? अच्छा बिल्ली बैठ जा। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मेरे को हज पे जाना हूँ। अच्छा हज पे जाना है? अच्छा तुम्हारी से कमर देती है मैं बउआ। मेरे को
100 चूहे खाने हैं। 100 चूहे खा के जाओगी? मैं 99 चूहे खा चुकी हूँ। अच्छा, अब एक ही खाना है। अच्छा। आप मदद कराओ। हेलो, नहीं बिल्ली सुनिए, आप देखिए, अब आप मदद करिए। देखिए, एक चूहा इसको दीजिए, इसको जाना है, जिसपे 100 पूरे हो जाएंगे इसके चूहे। मैं कहाँ से लाके दूँ? ठीक है, नहीं आप पहले चूहा मत पकड़िए, अगर आपके उसे ढाई है ढाई तो दे दीजिए, मैं चूहा पकड़ दे लूँगा। ढाई ये बालों में लगाने वाले? नहीं आज, एक सेकंड, ये डोनक। हाँ बुआ, बोलिए। आज भाई वो राई बोल रहा है। एक मिनट भाई, आप कौन बोल रहे हो? ए, तू जा, तेरा काम हो गया। ओके ठीक। अब तो क्या है ये, भी कौन था ये बीच में जो आया था बोलने? हाँ जी, नहीं नहीं आप डाई दीजिए, चूहा पकड़ लूंगा डाई। अच्छा राई, राई का क्या करेगा? अच्छा तू ये बता, डाई से पहाड़ बनाऊंगा, खोदूंगा पहाड़, क्योंकि खोदा पहाड़ निकले चूहा, चूहा बिल्ली को दूंगा, बिल्ली खा के जाएगा। हाँ जी को। हेलो, बिल्ली बोल रही है, बीच में बंदा आ रहा था, तुम मेरे को नहीं, वो सब छोड़िए, मैं बउआ बोल रही हूँ। अरे थप्पड़ मारूंगा, एक में बिल्ली आएगी, बिल्ली बिल्ली को थप्पड़। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. एक बार फिर बजाओ। भैया तुषार ने फोन करके बउआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है? क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए। हेलो जी, नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? किस इस चीज के लिए? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी, कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी बताओ बैरागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे, घाघरापुर। घाघरापुर, घाघरापुर के राजा फॉस्फोरस घोष। फॉस्फोरस घोष क्या राज्य का, क्या नाम राज्य का? फॉस्फोरस घोष। फॉस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी? भाई साहब लाइन पे? हाँ लाइन पे। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज, जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा। मजनू तोतले थे। तोतले थे जी। अच्छा, वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या, यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है? तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? चोली के पीछे बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, भुखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून चौधरी? फफून चौधरी है? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी। अच्छा। पूरा गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो सेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी बताइए, बोल दिया क्या बने हो? कुक 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 कुक। कैसा लगा? इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियां चतुर्भुज की खाला कुमारी मोमपोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोमपोसीना। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। या हाय, इज दैट? यस, मैन इज कॉलिंग। आई एम विपुल। आपके पास 2 मिनट हैं? आई गॉट टू नो आपके 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। एक्चुअली मैं बताता हूँ, आपका एक कॉमन फ्रेंड है अनुज, अनुज ने मुझे नंबर दिया था। तो 1.5 साल पहले आपका फ्रैक्चर हुआ था, आई थिंक प्लास्टर वास्टर चढ़ा था। आपको क्या काम है? वही तो मैं इसलिए फोन किया क्योंकि मेरे ना, आई एम नॉट श्योर, मेरी उंगली में, ये सीधे हाथ की उंगली में ना, मुझे लग रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। तो मैं डॉक्टर के पास भी आया हुआ था, मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा पूछ लूं कि यू नो, आपका कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 महीने प्लास्टर था मेरा, बट आई गॉट फाइन आफ्टर दैट। नाउ यू आर फाइन राइट? अभी फाइन? या या। लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं हाँ, बट व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। नो 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 नो, मुझे ना मेरा ये जो
इसको क्या बोलते हैं यार, ये उंगली का एक वो होता है ना हिस्सा, इसमें मुझे दर्द है, तो मैंने तो सोचा था मैं हाथ कटवा लूं ये। Are you mad? You have pain in just one finger and you're trying to cut your entire arm. I'm not understanding, why don't you go to the doctor and just get your fracture fixed? तो ये फ्रैक्चर करवाने से मेरा ये ठीक हो जाएगा पेन वेन जो है, बोन जो है? हाँ तो मेरा भी तो हो गया ना, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन कि अगर उंगली में दर्द हो तो मैं हाथ ना कटवाऊं। सो यू आर इरिटेटिंग मी नाउ, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट गोना पुट द फोन डाउन। नो नो प्लीज प्लीज बट थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉल्यूशन, क्योंकि आपने मुझे सॉल्यूशन दे दिया। आर यू क्रेजी, दिस इज सच अ सिंपल सॉल्यूशन, एवरीवन नोस दिस, और कैसे समझाऊं? अपने आप को समझाइए, प्लीज डोंट हैंग अप। आई एम नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे सॉल्यूशन दिया है। वन ऑफ योर फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, एंड आई नो आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन आपने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि आपका दिल करता है कभी कभी कि सुसाइड कर लूं। अगर उंगली में दर्द हो तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हाथ काट दिया जाए। इसी तरह अगर दिल परेशान हो तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर दिया जाए। मुझे सही से समझाना पड़ेगा आपको, और सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को। आपको मालूम है ये बहुत लोगों ने आसानी से दिमाग में डाल लिया है कि छोटी छोटी बातों का सॉल्यूशन सुसाइड हो सकता है। क्यों? सुसाइड लफ्ज भी निकालना या उस पर अमल करना सिर्फ और सिर्फ नुकसान उसका होता है जो ये करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात में इंसान ये क्यों नहीं लगता कि मैं अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी या नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि जीना है। को मालूम है इस वक्त COVID-19 में पूरी दुनिया क्यों मास्क लगा रही है? क्योंकि सब जीना चाहते हैं। इस बात को समझिए, जब आप पैदा हुई होंगी ना और पहली बार नर्स ने आपको आपकी मां की गोद में दिया होगा और उनके हाथों में दिया होगा, आई एम श्योर उससे पहले आपकी मदर की लाइफ में भी पता नहीं कितनी परेशानियां आई होंगी। आप इस दुनिया में हैं क्योंकि आपकी माँ ने हिम्मत से काम लिया। बहुत सारी परेशानियां आई होंगी हमारे माँ बाप की जिंदगी में। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है डिलीवरी में। 9 हड्डियां अगर आप एक साथ तोड़ देना, इतना दर्द महसूस होता है एक डिलीवरी में, ये जो औरत बर्दाश्त करती है। और डिलीवरी करने के बाद, उस बच्चे को पालने के बाद, अगर ये बच्चा फैसला ले ले तो मां बाप पे क्या गुजरेगी, ये सोचिएगा कभी। प्लीज क्राई एंड टॉक टू मी, मुझसे बात करिए। कितने साल हो गए आपके रिलेशन को? एंड हाउ ओल्ड आर यू? 26। इसका मतलब ये कि 24 साल की जिंदगी में आया था जब आप 24 साल की थी। एक साल से लेकर और 24 साल की जिंदगी तक ये इंसान आपकी जिंदगी में नहीं था। आप जी रही थी ना, आप खुश थी। सबसे ज्यादा अजीब लगता है मुझे जब किसी इंसान की वजह से कोई दूसरा इंसान जान दे दे। आप क्या चाहती हैं? उसने धोखा दिया है ना, उसने धोखा दिया इसलिए बुरा लग रहा है। सोचिए आपकी जान को कितना बुरा लगेगा, आपके मां बाप को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने मां बाप को उस धोखे से भी बड़ा धोखा देंगे। तो मां बाप क्या करें, आपके जाने के बाद वो भी सुसाइड कर ले। टेल मी वन थिंग, आप घर से बाहर निकल रही हैं आजकल? डू यू वेयर अ मास्क? वाई? बिकॉज आई नो, क्योंकि आपको मालूम है कि वायरस अगर आपके अंदर चला गया आपकी जान जा सकती है। जब इतना दिमाग हमारा चल सकता है तो इस मामले में क्यों हम अपनी जान के पीछे पड़ जाते हैं? मैं दावे के साथ बता रहा हूं, जिस दिन हमने चुप रहना छोड़ दिया और बात करनी शुरू कर दी, ये चीज खत्म हो जाएगी। नावेद, थैंक यू सो मच दैट यू स्पोक टू मी एंड मेड मी अंडरस्टैंड दिस। आई एम नेवर गोइंग टू थिंक अबाउट इट और डू इट एवर अगेन, एंड That bastard can go rot in hell. Please, ऐसे कभी जिंदगी में मत सोचिएगा। Promise, कभी नहीं सोचेंगे? नहीं। You take care and हिम्मत से काम लीजिएगा। Thank you so 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 much, Kavya, that you spoke to me, talk to my parents today only, and I'll give them a tight hug and please go. अभी फोन रखते ही। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हो ना जैसे ये सोच रही थी, तो ये जो दिल है ना, इस पे हाथ रखिएगा। अगर आप धड़कन फील कर पा रहे हैं तो चीजें बेटर होने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये सोचिएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का।
हेलो, इज दिस अभिषेक? हाय अभिषेक, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम टिंडर से। यस, आप टिंडर का इस्तेमाल कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे 8 महीने हुए हैं यूज करते हुए। एंड आपको हमारी सर्विसेज कैसी लग रही है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपके पास में फोन कॉल्स आ सकते हैं, सो लोग जो आपकी प्रोफाइल को पसंद करते हैं टिंडर पे राइट स्वाइप मारते हैं, और राइट स्वाइप नहीं मार करके दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद यू एज वेल। सच में? सो वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब टू दिस सर्विस? व्हाई नॉट यार। राइट अभिषेक, कैन यू जस्ट हेल्प अस विद योर नंबर? 9643834। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Hello? Is it Smarty Abhishek? Yeah, yeah. I saw your profile on Tinder. Okay, okay. What's your name? Hello? Hello? आवाज आ रही है? Hello? अम्मा यार, hello. साला मेरे। Hello? Yeah, yeah. Hello? Can you hear me? Hello? अरे मैडम, आप हंसी थी, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। Hello? ये नेटवर्क साला एक। Hello? अरे मैडम, बोलिए तो उधर से। हेलो। हाय स्मार्टी अभिषेक। हेलो, कौन? मैं रॉकिंग सैंडी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है भैया? आई सॉ योर प्रोफाइल ऑन टिंडर। हाँ तो? तुम्हारी बॉडी कितनी टाइट मस्कुलर है, क्या टैटूज है, मैं तो देख के पागल हो गया। अरे अबे तुम भैया, तुम प्यार से मुझे जान कह सकते हो? अबे क्या आदमी है क्या भाई, तुझे देख मैं वैसे। ओह माय गॉड, तुम्हारे जबान से गाली कितनी अच्छी लग रही है। अंदर वालों ने लगा दी सालों की। अबे भाई सुनिए, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रेट आदमी हूँ, मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो टिंडर पे क्या कर रहे हो, प्लीज मुझसे मिलो।